हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीजी चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और दोस्तों आपको रिजल्ट देखना नहीं आता है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हमको कैसे देखना है, चाहे दोस्तों हमारा यूजी का रिजल्ट हो, चाहे हमारा पीजी का यानी कि बीए बीकॉम बीएससी के कोर्स का रिजल्ट हो दोस्तों, चाहे हमारा एमए एमकॉम एमएससी के कोर्स का रिजल्ट हो, किस तरह से चेक करना है, दोनों का सेम प्रोसेस रहने वाला है। मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना होगा। तो दोस्तों गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च करना होगा। सर्च बार में क्या सर्च करना है दोस्तों? ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आपको सर्च करना है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ना तो आपको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगा, ना छिंदवाड़ा एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर मिलेगा। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म की वेबसाइट पर। ओके, अब दोस्तों आपके सामने बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। ओके, तो आपको किस वाली लिंक का यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं। ओके, तो आपको देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिंक आ रहा है। ये लिंक क्या दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर ही आ सकता है और सेकंड पर भी आ सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया, इस लिंक को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म डॉट कॉम डैशबोर्ड, और नीचे लिखा रहेगा होगा ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म डॉट कॉम। तो आपको इसी लिंक का यूज करना है अपना रिजल्ट चेक करने के लिए छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म डॉट कॉम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आपको अपना छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के नाम, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के नाम आपको दिखाई देंगे, लेकिन हमको अपना छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखना है। तो दोस्तों छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखने के लिए आपको सेकंड नंबर पर लिंक दिखाई देगा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाली लिंक का यूज करके देख सकते हैं, और दोस्तों आपको प्रॉपर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का देखना है तो आपको सेकेंड लिंक का यूज करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको कुछ क्राइटेरिया फिल करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, वेलकम टू रिजल्ट पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी। तो हम यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पोर्टल पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको अपना कोर्स सिलेक्ट करना होगा कि हम किस कोर्स का रिजल्ट देखना चाहते हैं। यहाँ पर वही रिजल्ट आपको, वही कोर्स दिखाई देंगे जो रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जो रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी यही रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। अगर बी ए बी कॉम बी एस सी के रिजल्ट देख रहे हैं तो अगर वो अनाउंस हो जाते हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन अभी बी ए बी कॉम बी एस सी का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो एम ए एम एस सी एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, तो ये रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। यानी कि सीधी सी बात है, जो रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे केवल वही रिजल्ट हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ से हम एक जो कि कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से रोल नंबर फिल करना है, इसके बाद गेट रिजल्ट पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का डाल देता हूँ, गेट रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में देखते हैं हमारे सामने क्या इंटरफेस आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने हमारा रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा, यानी कि हमारी जो मार्कशीट है वो ओपन होकर आ जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी मार्कशीट डाउनलोड हो चुकी है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की। ओके, यहाँ पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी आपको नाम दिखाई देगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका नाम, रोल नंबर और स्ट्रीम, यानी कि आपने किस स्ट्रीम से किया वो यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आप इसको ब्लर कर दिया है जो कि प्राइवेसी की वजह से। यहाँ पर आपकी मार्क्स डिटेल्स दिखाई देंगे, यानी कि आपके नंबर दिखाई देंगे, किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए हैं, सी सी में कितने नंबर मिले, थ्योरी में कितने नंबर आए, और प्रैक्टिकल में कितना रेशियो है आपका, ये सब आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आपको लास्ट में टोटल दिखाई देगा, टोटल आपके कितने नंबर आए हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देना, देखिए यहाँ पर तो हमारा टोटल हो गया है 226 आए हैं 300 में से, और हमारा रिजल्ट क्या है दोस्तों, हमारा जो रिजल्ट रहा है वो पास का रहा है। तो इस तरह से हमको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखना होता है, चाहे आपका यूजी का रिजल्ट हो, चाहे आपका पीजी का रिजल्ट हो, दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम इसी तरह से हमको रिजल्ट देखना होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपको अभी कोई भी डाउट है कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।